खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते भी स्पष्ट होंगे, लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन आपका वाद विवाद हो सकता है जो आपको नुकसान दे देगा, लेकिन एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, दूध या दूध से बनी हुई चीज का दान अवश्य कीजिएगा। वृषभ राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, शत्रु में मित्रवत व्यवहार करेंगे, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे और मन को शांति भी आपके मिलेगी, लेकिन एक छोटा सा ध्यान आपको जरूर रखना है, इस दिन यदि आप वाहन चलाते हैं तो ध्यान रखें और इस दिन न उधार दें न उधार लें, एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप अवश्य कर लीजिएगा। मिथुन राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा आपको, आपके सीनियर आपके बॉसेस खुश होंगे, यात्राओं के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, इस दिन भाई बहनों से संबंध ना बिगड़ जाए ये ध्यान रखें, एक छोटा सा उपाय इस दिन जरूर कर लीजिएगा, इस दिन ऐसा भोजन जिसमें बेसन अवश्य हो उसका दान किसी भी जरूरतमंद को कर दीजिएगा। कर्क राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, माता से संबंध बेहतर होंगे आपके, माता की मदद से आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, मित्र काम आएंगे, लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर रखिएगा, जल्दबाजी में ऐसा कोई बात मत कहिएगा या फैसला मत लीजिएगा जिससे प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, एक छोटा सा उपाय आप कर लें, ओम रुद्राय नमः का जप करें और इस दिन श्वेत वस्त्र धारण करें। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, इस दिन आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों से, जो पुरुष हैं वो स्त्रियों से बहुत मर्यादित व्यवहार करने तथा परेशानी हो सकती है, इस दिन किसी की गारंटी मत लीजिएगा, उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप चीनी का दान जरूर कर दीजिएगा। कन्या राशि, भाग्य पक्ष आपका मजबूत है, इसलिए रुके हुए कार्यों को आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन रिश्तों का और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, उपाय क्या करेंगे, पके हुए भोजन का दान जरूर कर दीजिएगा और भोजन थाल में या भोजन सामग्री में गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि, मन कभी प्रफुल्लित हो जाएगा, कभी उदास हो जाएगा, कभी बहुत आलस्य आएगा, फिर एकदम आप चैतन्यता के साथ काम पर जुट जाएंगे, लेकिन फिर भी कुल मिला के समय अच्छा है, इसलिए चिंता ना करें, बस एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन आपके मित्र शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं, उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें और इस दिन हल्का भोजन लें। वृश्चिक राशि, आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और उसकी वजह से समस्या हो सकती है, दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ध्यान में रखनी है, इस दिन आपका गुस्सा आपका अहंकार आपको आगे आने वाले समय में बड़ा नुकसान दे सकता है, इसलिए इस दिन को बहुत सरलता से बिताने की कोशिश कीजिएगा, बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन आप एक तो जल्दबाजी में किसी को धन या कीमती चीज नहीं दें, दूसरी चीज अपने बुजुर्गों से अच्छा व्यवहार करें, एक छोटा सा उपाय इस दिन मंदिर में शहद का दान जरूर कर दें। धनु राशि, धन की दृष्टि से यह दिन शुरू में थोड़ी सी परेशानी देकर फिर आपको लाभ देगा, इसलिए धैर्य ना खोएं, चिंता ना करें, बस एक छोटी सी सावधानी इस दिन जरूर बरतनी है, इस दिन कोई भी कार्य बाधाओं से होगा और जिस व्यक्ति से आपने किसी कार्य को कहा हो सकता है वो आपका कार्य नहीं कर सके, लेकिन गुस्सा मत कीजिएगा, उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, ये दिन धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, मित्रों की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा लो प्रोफाइल रखिएगा, एक सावधानी जरूर बरतने की जरूरत है, इस दिन किसी की गारंटी नहीं लीजिएगा और जो काम आप कर नहीं सकते उसे करने का वायदा मत कीजिएगा, अन्यथा मुश्किल में पड़ सकते हैं, एक छोटा सा उपाय इस दिन जरूर कर लें, इस दिन उड़द की दाल का दान जरूर कर दें और काले नीले कपड़े पहनने से बचें। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, रुके हुए कार्य अचानक बन सकते हैं, इसलिए आशाएं मत छोड़िएगा, बस एक छोटी सी सावधानी, इस दिन अपने रिश्तेदारों से बहुत
मृदुता का व्यवहार कीजिएगा, इरिटेट मत होइएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए अरहर की दाल का दान जरूर करें। मीन राशि, कार्य आपका कोई अटक नहीं रहा है, लेकिन भाग्य पक्ष भी साथ नहीं देगा, फिर भी किसी बुजुर्ग की मदद से आपके कार्य बनते चले जाएंगे। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन बड़े निर्णय आप मत लीजिएगा, क्रोध से बचें। और उपाय क्या करेंगे, हल्दी का तिलक लगाइए, अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे।